जय हिंद दोस्तों, आप सभी को ऑनलाइन करने का आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले चले जाना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। ज्वाइन इंडियन आर्मी में चले जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे अपना कैप्चर कोड पर। कैप्चर कोड पे चले जाने के बाद आपका कैप्चर कोड वहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आपका आईडी निकल आएगा। निकल आने के बाद आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले ओपन होते निकले आपका आ जाएगा जेसीओ एंट्री। जेसीओ एंट्री आने के बाद जेसीओ एंट्री में आपका नहीं होगा अभी ऑनलाइन, क्योंकि उसको अभी सर्वर में बंद कर दिए। सर्वर बंद करने के कारण आप डायरेक्ट चले जाना है क्या, जेसीओ एंट्री में नहीं हो रहा अभी, ये ऑफिसियल एंट्री हो, ऑफिसर लोग करने के इसमें। जेसीओ एंट्री में नहीं होने तो आपको आ जाना है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना में आने के लिए आप आ सकते हैं। उसके बाद अग्निपथ योजना आने के बाद खुल जाएगा आपका वेबसाइट। वेबसाइट खुलने से पहले आपका जिसका पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है वो आप अपना यूजर नेम डाल सकते हैं। वहीं यूजर नेम डालने के बाद आपका पासपोर्ट और आपका यूजर नेम डाल सकते हैं। यूजर नेम डालने हेतु लॉग इन करना है। लॉग इन करेंगे तब आपका आईडी ओपन हो जाएगा। जिसका नया है तो रजिस्ट्रेशन में चल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है रजिस्ट्रेशन में क्लिक किएंगे एक बार। क्लिक करने के लिए उसके बाद आपको ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपका प्रोफाइल में ये निकलेगा, ये खुल जाएगा। जब खुलने के लिए आपको करना है यूपी पासपोर्ट, यूजर जो भी अपना फिल करना है, मेल फीमेल जो भी एज आपका खुल जाएगा। खुलने के लिए उसके बाद आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको ये दिखेगा इसका एज लिमिट आप कलर के में डालना चाहते हो, आप कोई भी में डालना चाहते हो, तो जिसमें आप डालना चाहते हो इसको अप्लाई कीजिए। और जिसका नहीं दिख रहा है इसको रिफ्रेश करना है, बार बार ऑटोमेटिक आ जाता है आने के लिए, उसके बाद आ जाता है। और जिसको ऑनलाइन करना है तो हमारा नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर ऑनलाइन करने के लिए इसमें संपर्क कर सकते हैं आप, मोबाइल नंबर 9131498041 आप ऑनलाइन के लिए संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए उसके बाद आ जाएंगे प्रोफाइल, आपका फ़ोटो अपलोड करने का आ जाएगा। फ़ोटो अपलोड करते टाइम आपको फ़ोटो रहना चाहिए कम से कम 20 KB। 20 KB से ज़्यादा होने का नहीं है। इसमें फ़ोटो सिग्नेचर 10 KB और फोटो होना है 20 KB। ये हो जाने का है बस। उसके बाद चले आएंगे आपका 20 KB हो जाता है तो आप पे चले आना आपका आईडी खुलेगा। आपको सब डिटेल आपको फिल करना है। डिटेल फिल करने के लिए आपका एड्रेस आएगा। एड्रेस आने के बाद आप अपना जो भी एड्रेस हिंदू कुछ भी मोबाइल नंबर अपना फिल करना है। फिल करने के बाद आपका एजुकेशन डिटेल आएगा। एजुकेशन डिटेल में आप डाल सकते हो एजुकेशन डिटेल लास्ट में आएगा। लास्ट में एजुकेशन डिटेल आने के बाद अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के लिए आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं अपना ऑनलाइन फॉर्म देखने के बाद आप इसको फिलहाल अभी डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन डेट अभी 3 सितंबर लास्ट डेट है, और उसका फिजिकल डेट और कुछ दिन बाकी है। फिजिकल डेट आपको आने के लिए आपका फिजिकल लास्ट डेट है अभी। फिजिकल डेट के लिए आप 13 नवंबर
से 22 नवंबर तक आपका फिजिकल है, नया रायपुर उसका स्थान है फिलहाल। धन्यवाद।